महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे स्विट्जरलैंड के दावोस के लिए सोमवार की देर रात रवाना हो गए। बता दें वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि WEF के 54वें सम्मेलन में हिस्सा लेने गए हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मंगलवार यानी 16 जनवरी को इस वैश्विक मंच की बैठक में अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ शिरकत करने जा रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री अपने इस ऐतिहासिक दौरे में 20 MOU साइन करेंगे। आइए सुनते हैं मुख्यमंत्री शिंदे ने मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा। महाराष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ा मौका है कि महाराष्ट्र को ब्रांडिंग शोकेसिंग इंटरनेशनल लेवल पर करने का ये मौका है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में दावोस में दुनिया भर से सब लोग आते हैं, कंपनियां आती हैं, उनके प्रमुख लोग आते हैं, देशों के प्रमुख आते हैं और उसमें महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है। पिछले समय भी लगभग 1,37,000 करोड़ के MOUs हुए थे, 76% कन्वर्जन हुआ था, एग्जीक्यूशन हुआ था। इस बार भी बहुत उम्मीद है कि पिछले साल से ज़्यादा MOUs हो जाएंगे और उसका कन्वर्जन एग्जीक्यूशन भी हो जाएगा और बड़े पैमाने पर सिर्फ बड़े शहरों में नहीं बल्कि पूरे स्टेट में, राज्य में, ग्रामीण इलाकों में भी इंडस्ट्री आएगी और सभी लोगों को रोज़गार मिलेगा। ये इंडस्ट्री जो है आगे बढ़ेगी और जैसे एक हमारी सरकार आने से पहले अपना राज्य पीछे गया था, तीसरे चौथे नंबर पर गया था, लेकिन जैसे अपनी सरकार बनी कुछ ही समय में फिर हमारा राज्य FDI में नंबर वन पे आ गया है और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का $5 trillion का सपना जो है वो जो महाराष्ट्र से उसका ही रास्ता जाता है और महाराष्ट्र में $1 trillion का गोल हमने रखा है। और अभी जो दावोस जाएंगे वहाँ काफ़ी जो देशों के प्रमुख है, उद्योजक है, उनको महाराष्ट्र में इन्वेस्ट करना करने के लिए बहुत ही वो आग्रही है और क्योंकि महाराष्ट्र में ह्यूज पोटेंशियल है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, कनेक्टिविटी है, स्किल मैन पावर है, इसलिए लोग यहाँ आने की होड़ में हैं। और महाराष्ट्र ने भी जो इंडस्ट्री पॉलिसी है बहुत ही फ्लेक्सिबल की हुई है, बहुत ही सहूलियत दिए है और इसलिए इस बार का दौरा जो है पिछले साल से काफ़ी यशस्वी होगा और बड़े पैमाने पर MOUs साइन हो जाएंगे और उनका कन्वर्जन भी बड़ी मात्रा में होगा, इतना मैं कहता हूँ। अरे छोड़ो सर, अभी उनको आरोप लगाने के सिवा दूसरा कुछ आता है क्या? जब हमारे पिछले समय जब 1,37,000 के MOUs हुए थे, 76% कन्वर्जन हुआ था, लेकिन जब उन्होंने MOU किए थे खाली आंकड़े बढ़ाने के लिए, वो सिर्फ कागज़ पे रहे थे, वो कागज़ पे रखने के लिए हम दावोस नहीं जा रहे, इस राज्य को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग आगे दावोस जा रहे हैं और बड़ी संख्या में बड़े पैमाने पर MOUs साइन हो जाएंगे और बड़े पैमाने पर कई देशों के लोग यहाँ पर महाराष्ट्र में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ही आग्रही है क्योंकि महाराष्ट्र एक इंडस्ट्री के लिए फेवरेट डेस्टिनेशन बन चुका है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मुलाकात ओमन के उद्योग मंत्री, सऊदी अरब के वित्त मंत्री, साउथ अफ्रीका के एनर्जी मिनिस्टर, साउथ कोरिया के गियोगी के गवर्नर के अलावा कई बिजनेस हाउस की शख्सियतों से होगी। माइकल AWS, प्रिंस ऑफ लिंकटेस्टीन, हिताची कंपनी के MD, कार्ल्सबर्ग ग्रुप, डिसॉल्ट सिस्टम, वॉल्वो कार्स के प्रतिनिधियों से निवेश को लेकर चर्चा करेंगे। वहीं कैपजेमिनी, AP मोलर मार्क्स, बॉल कॉरपोरेशन के प्रमुखों से भी उनकी भेंट होगी। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र की ओर से विशेष डिनर का आयोजन भी किया गया है। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें समय डिजिटल। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।